चिंतित है, तो आइए देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। हमें भी बतावे, हम समस्या का निवारण निकालेंगे। महाराज आप तो देख ही सकते हो, हमारा देव कुमार युवान हो गया है, उनके विवाह की चिंता है मेरे को, उनके लायक एक सुकन्या सुसंस्कारी कन्या उसकी चिंता है। उसकी क्या चिंता करती हो, उसके लिए एक सुंदर कन्या ऐसी लाऊंगा सारा नगर देखता रह जाएगा। महाराज पहले तो नेम कुमार से बात कर लो, वैसे तो अपने सत्य बम्मा रानी उनकी बहन राजुल का रिश्ता आया है, वो राजुल सब गुण संपन्न सुंदर सुशील अपने नेम कुमार की जोड़ी खूब जमेगी। मंत्री सर जी महाराज, नेम कुमार को दरबार में बुलाया जाए। अरे देव जी आप तो महाराज याद कर रहे हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, आपने हमें याद किया। हाँ नेम कुमार, हमने सोचा है अभी आपकी उम्र युवान हो गई है, हम चाहते हैं कि आप एक शादी सुंदर राजकुमारी से कराकर सुंदर राजकुमारी से आपकी शादी कराकर आगे वंश बढ़ावे और आगे राजधर्म का आगे काम आपको सौंपा जावे। हाँ बेटा, यही आपकी माता जी का यही है सपना। आप दोनों की बात एकदम सही है, पर मैं आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपना मनुष्य जन्म सफल कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप से तो हमारी कई सपने जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं नेम कुमार, आपसे तो प्रजा की पूरा प्रजा हमको सबको कितनी आपसे उम्मीद है। मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकता शादी। कर